हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइड्स आईएएस। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स 2020 की बात करें जो कि 31 मई को होने वाला है, उसमें जो बचे हुए टाइम की बात करें तो जो रफली देखा जाए तो 6 मंथ का टाइम है। अभी जो टाइम है आपके पास में, उसको बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करना है। और जहाँ तक वीडियो की बात है तो हम इस वीडियो को संडे को छोड़ के डेली अपलोड करेंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो है वो आपको आफ्टरनून तक ही अपलोड हो जाएगी, जिससे आपको किसी टाइप की दिक्कत नहीं हो। चलिए, मैंने लास्ट डिस्कशन में आपसे पूछा था बेटी बचाओ बेटी प्रोग्राम, बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में। तो ये जो स्कीम है वो 3 मिनिस्ट्रीज़ का एफर्ट है। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ है? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो याद रखना, ये 3 मिनिस्ट्रियल एफर्ट है। अब बात करें कि इसका जो एम क्या है, बेटी बचाओ तो इसका मतलब क्या है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करना। एंड बेटी पढ़ाओ, इसका मतलब है जो गर्ल्स को जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो सिग्निफिकेंस है उसको प्रमोट करना। सो लेट्स मूव टू टुडेज फर्स्ट टॉपिक। टुडेज अवर फर्स्ट टॉपिक इज टीयर गैस। बेसिकली जो हांगकांग के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें टीयर गैस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये टॉपिक लिया है। अगर टीयर गैस की बात करें तो इसका दूसरा नाम है लैक्रीमीटर। ये क्या करता है, जो अपना आइज है उसको इरिटेशन क्रिएट करता है। और इसकी बात करें तो ये आँख से आंसू आने स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए टीयर गैस को छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, भीड़ पूरी डिस्पर्स हो जाती है, आँखों से आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जो इफ़ेक्ट होते हैं वो याद रखना है टेम्परेरी है एंड रिवर्सिबल है, परमानेंट इफेक्ट नहीं होते हैं। अब अगर आप गैस मास्क को यूज़ करोगे तो आप इससे बच सकते हो, प्रोटेक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको फर्स्टली यूज़ किया गया था World War I के टाइम पे। तो बात करते हैं टीयर गैस की, तो टीयर गैस में जो मोस्टली जो सब्सटेंस यूज़ होते हैं वो आपको याद रखना है सिंथेटिक ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड्स। ये जो कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली ये ट्रू गैस नहीं होती है। कहने का मतलब ये लिक्विड या सॉलिड की फॉर्म में होती है और इसको स्प्रे या फॉग जनरेटर की हेल्प से गैस में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको याद रखना है सिंथेटिक ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड को यूज़ करते हैं। टीयर गैस की बात करते हैं तो मोस्टली 2 टाइप की होती है, 1 है आपका CN और दूसरा है CS। चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। अवर सेकेंड टॉपिक इज़ ऑर्गेनिक फूड रेगुलेटरी सिस्टम इन इंडिया। अब अगर ऑर्गेनिक फूड रेगुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वो क्या है, फूड रेगुलेटर है। इसके साथ में इंडिया के जो डोमेस्टिक मार्केट और जो फूड इंपोर्ट होता है उसके लिए जो ऑर्गेनिक फूड का जो भी रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है, FSSAI के द्वारा किया जाता है। ये जो है वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, किस एक्ट के थ्रू, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनिक फूड्स रेगुलेशन इन 2017। इस एक्ट के थ्रू क्या करता है, FSSAI जो फूड है उसको सर्टिफाई करता है कि ऑर्गेनिक है या नहीं है। किस टाइप की जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस स्कीम्स को यूज़ करते हैं इंडिया में, वो भी आगे बात करते हैं। बात करते हैं ऑर्गेनिक फूड की, तो ऑर्गेनिक फूड का मतलब है जो ऑर्गेनिक फार्म से जो प्रोड्यूस होता है। ऑर्गेनिक फार्म का मतलब है जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से। बेसिकली कुछ स्पेसिफाइड जो स्टैंडर्ड होते हैं ऑर्गेनिक फूड के जो प्रोडक्शन के, उनको फॉलो करके जो फूड बनाया जाता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड। अगर FSSAI की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को ऐसे डिफाइन किया गया है कि इस टाइप की एग्रीकल्चर विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक एक्सटर्नल इनपुट, जो एक्सटर्नल इनपुट को यूज नहीं करना है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है सिंथेटिक एक्सटर्नल इनपुट को यूज़ नहीं करना है, ऐसे फूड को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड, और ऐसे एग्रीकल्चर को बोलते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं जो एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम की, जो इंडिया में प्रिविलेंट है वो 2 सर्टिफिकेशन सिस्टम है। कौन कौन से? फर्स्ट है NPOP, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन है, जो कि एक थर्ड पार्टी के द्वारा सर्टिफिकेशन दिया जाता है। इट इन्वॉल्व्स एक्रीडिएशन प्रोग्राम। एक्रीडिएशन की हिंदी में वर्ड में बात करें तो होता है मान्यता प्रदान करना कि हाँ ये पर्टिकुलर फूड है वो ऑर्गेनिक टाइप का, ये ऑर्गेनिक टाइप का नहीं है।
अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, शॉर्ट में बोलते हैं अपेडा के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन करना। अपेडा के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, NPOP जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सिस्टम है उसको। अब NPOP जो स्टैंडर्ड्स जो फॉलो करता है वो स्टैंडर्ड है, वो यूरोपियन कमीशन, स्विट्जरलैंड और USA के द्वारा भी रिकग्नाइज है। मतलब वो भी मानते हैं कि हाँ, जो NPOP के जो स्टैंडर्ड है वो भी फॉलो करते हैं, कि उन्होंने सर्टिफाई कर दिया, मतलब वो भी मानते हैं कि हाँ ये ऑर्गेनिक फूड होगा। अब दूसरे प्रोसेस की बात करते हैं, दूसरे सिस्टम की बात करते हैं, तो उसका नाम थोड़ा सा अजीब है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया। तो आपको एग्जाम में ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है कि ऐसे पूछा जा सकता है कि ये जो सिस्टम है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है, तो इसके नाम से देखो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो आपको याद रखना है ये क्या है, ऑर्गेनिक जो सर्टिफिकेशन है, एक टाइप का सर्टिफिकेशन है। इस अनदर प्रोसेस ऑफ सर्टिफाइंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करने का दूसरी एक प्रोसेस है। इसमें जो सर्टिफिकेशन हुए वो प्रोवाइड किया जाता है डॉक्यूमेंटेड लोगो या स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंप्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, पहले वाला था उसको अपेडा के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है, और ये वाला सिस्टम है PGS, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब इसकी बात करते हैं, फार्मर्स हैव फुल कंट्रोल ओवर द सर्टिफिकेशन प्रोसेस। अब ये जो PGS सर्टिफिकेशन इज ओनली फॉर फार्मर्स और कम्युनिटीज दैट कैन ऑर्गेनाइज एंड परफॉर्म एज ए ग्रुप इंडिविजुअल फार्मर्स, और ये किसको कवर नहीं करता है, जो फार्मर्स लेस देन 5 नंबर में होते हैं, मतलब 5 से कम फार्मर अगर नंबर में है तो उनके द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाएगा उसको कंसिडर नहीं करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको याद रखना है। ओनली फॉर फार्मर्स और कम्युनिटीज दैट कैन ऑर्गेनाइज एंड परफॉर्म एज ए ग्रुप इंडिविजुअल फार्मर्स, अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स स्मॉलर देन 5 मेंबर्स आर नॉट कवर्ड अंडर PGS। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये एप्लीकेबल है ओनली ऑन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए। ऑन फार्म एक्टिविटीज जैसे कि क्रॉप का प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, लाइव स्टॉक रियरिंग, ऑन फार्म जो एक्टिविटीज़ है उसके लिए एप्लीकेबल है। ऑफ फार्म प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ जैसे स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, वैल्यू एडिशन, इसके लिए ये सर्टिफिकेट एप्लीकेबल नहीं है, नॉट कवर्ड अंडर PGS। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखना है। अब इसके अलावा बात करते हैं तो FSSAI है, ये जो दो सर्टिफिकेशन है NPOP और PGS के अलावा एक लोगो भी प्रोवाइड करता है, लेबलिंग भी प्रोवाइड करता है, जिसको मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ। अब बात करते हैं तो मेंस 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, सिक्किम इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया, व्हाट आर द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको। अब ये जो लोगो है वो FSSAI के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ऐसे फूड पे जो कि ऑर्गेनिक होते हैं। देखो क्या नाम है इसका, जैविक भारत। ऑर्गेनिक को वर्ड को हिंदी में मतलब होता है जैविक। इसके अंदर क्या एक सर्कल है और एक टिक किया हुआ है, टिक किया हुआ ये जो मार्क है वो बताता है कि FSSAI ने इस प्रोडक्ट को रिकग्नाइज कर दिया कि ये कैसा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। सर्कल का मतलब है यहाँ पे होलिस्टिक वेलनेस, मीन्स पूरी तरह से वो होलिस्टिक वेलनेस को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो ग्रीन कलर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचर को। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस इतना याद रखना कि जैविक भारत जो लोगो है वो FSSAI के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ऐसे प्रोडक्ट पे जो कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो वह है बोगनविले। ये बेसिकली एक लोकेशन है, वो न्यूज़ में है। ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज यहाँ पे रेफरेंडम होने वाला है। ये एक स्मॉल साउथ पैसिफिक आइलैंड है, जैसे देखो ये पपुआ न्यू गिनी जो कंट्री है उसी का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे रेफरेंडम आयोजित होने वाला है। यहाँ इसे इंडिपेंडेंस चाहता है, वो चाहता है कि एक अलग से कंट्री बने। अगर ये अलग से कंट्री बनेगा तो ये वर्ल्ड्स न्यूएस्ट एंड पॉसिबली द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री होगा, अगर ये रेफरेंडम ऑर्गेनाइज हो जाएगा फेवर में। किस फेवर में, उससे अलग कंट्री के फेवर में। बेसिकली ये न्यूज़ इसलिए लिए मैंने बिकॉज प्रीलिम्स 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें स्पेन और कैटेलोनिया एक लोकेशन थी जहाँ पे रेफरेंडम आयोजित हुआ था और वो स्पेन से अलग होना चाहता था, उस पर बेस्ड लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया था, जिसको हमने पहले कुछ 3-4 डेज पहले डिस्कस भी किया है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जा सकता है। तो बोगनविले जो है वो किससे रिलेटेड है, कौन सी कंट्री से, पपुआ न्यू गिनी। और इसके लोकेशन की बात करें तो देखो ये अपनी पपुआ न्यू गिनी कंट्री है, ये सोलोमन सी है, और ये जो लोकेशन है
वो है बाउगनविले इस स्टेट की। अब ये जो प्रोविंस ऑफ द पपुआ न्यू गिनी, ये पपुआ न्यू गिनी जो कंट्री है उसका प्रोविंस है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स, इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द सोलोमन आइलैंड आर्किपेलागो का भी ये पार्ट है। अब इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन की बात करें, 1970 के अंदर डिसेंट्रलाइज सिस्टम को यूज़ किया। डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और इसमें एक बॉगनविले पीस एग्रीमेंट साइन हुआ जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि उस रीजन को क्या है ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि जो कन्फ्लिक्ट हो रहे उसको अवॉइड करने के लिए इनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई। लेकिन अभी जो है वहाँ के लोग चाहते हैं कि वो अलग कंट्री बने, इसलिए वहाँ पे एक रेफरेंडम होने वाला है, इसलिए न्यूज़ में आप याद रखना। अब इस बॉगनविले जो लोकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे एक पेंगुना माइन है। पेंगुना माइन एक कॉपर माइन है और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन कट कॉपर माइन है, तो आप इसको भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे प्रीलिम्स 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे। बेसिकली गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ है उनको एक टास्क प्रोवाइड की जाए, जिससे कि वो क्या करे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस को स्प्रेड करे। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो इसका जो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और इंडिया के अंदर ये पार्ट 14A कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14A के अंदर मेंशन है, और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। किसकी रिकमेंडेशन पे, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन। ये सारी इंपॉर्टेंट बात है इस न्यूज़ से रिलेटेड। इसका मतलब यह है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस टाइम पे नहीं थी, उसको अलग से इंट्रोड्यूस किया था स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। ओरिजिनली कितनी थी, 10। उसके बाद में अभी एक और लेटेस्ट ऐड हुई है जिसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक्स्ट्रा ऐड किया गया, तो अब कितनी होगी, 11। सारी की सारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो आर्टिकल 15(1)(a) के अंदर मेंशन है, जो कि पार्ट 14(a) के अंदर है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आप यूज़ मेंस के क्वेश्चन में भी यूज़ कर सकते हैं, और कई बार आपको इंटरव्यू में भी इससे हेल्प मिलेगी, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि एक की बात करते हैं तो फर्स्ट क्या है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, जिस पे प्रीलिम्स 2015 में क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो जैसे कि लोगों को, सिटीजन्स को राइट प्रोवाइड किए गए, तो राइट के साथ साथ में उनकी ड्यूटी बनती है कि वे जो प्रोविज़न है, 11 जो प्रोविज़न है उनको फॉलो किया जाए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट तो कैसा है, जस्टिसिएबल है। इसका मतलब है कि अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, और लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। अब लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसमें से 11th वाली जो लेटेस्ट जो ऐड हुई उसको मैं यहाँ पे मेंशन किया मैंने, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। बेसिकली 6 से 14 years के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको क्या करना है, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना। इसको ऐड किया गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग, याद रखना है 86। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे 2008 में क्वेश्चन भी पूछा गया, एन्यूमरेट द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समीर ऐप। समीर ऐप बेसिकली क्या है, जैसे कि आप देखो ये लोकेशन है और यहाँ कलर कोडिंग से बताया गया है कि यहाँ एयर पोल्यूशन का लेवल कैसा है। ये आपका रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है। तो समीर ऐप बेसिकली एयर पोल्यूशन मिटिगेशन मेजर्स है, ऑनली मीन्स हर घंटे में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है वो बताएगा। जैसे देखो यहाँ पे भिवाड़ी के अंदर 256 बताया है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को एक ऐप के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा कलर कोडिंग की फॉर्म में, जिससे आप पता कर सकते हो कि कहाँ पे एयर पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। इसको डेवलप किया गया CPCB के द्वारा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, और ये मोर देन 100 सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इस ऐप की बात करें तो इट इज़ ए कलर कोडेड फॉर्मेट बेस्ड ऑन द AQI लेवल्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल है वो कलर कोडेड फॉर्मेट में, जैसा कि आप देखो यहाँ पे दिख रहा है। और इसके अलावा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस ऐप के थ्रू आप क्या करोगे, फाइल और ट्रैक कंप्लेंट्स को आप फाइल कर सकते हो और ट्रैक भी कर सकते हो। किससे रिलेटेड, गार्बेज डंपिंग,
road dust, vehicular emission और other pollution issues in a area. Basically आप complaint भी file कर सकते हो, ये आपको अगर option में दिया हो तो हो सकता है आप confused हो जाओ, लेकिन हाँ ये feature इस app के अंदर available है. Air quality तो बताएगा ही बताएगा, उसके साथ में अगर किसी भी type की complaint भी है तो आप उसको file कर सकते हो. अगर air quality index की बात करें तो हमने इसको पहले भी discuss किया था, ये एयर क्वालिटी को रिपोर्ट करता है, डेली एयर क्वालिटी को रिपोर्ट करता है और इसमें 8 पॉल्यूटेंट्स को कवर किया जाता है. कौन कौन से? ग्राउंड लेवल, ओजोन, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड. आपको याद रखना है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है. फ्रेंड्स, एयर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अलावा हमने एक और डिस्कस किया था, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जो 8 पॉल्यूटेंट्स इसमें कवर हो रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जो इस नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कवर हो किए जाते हैं. उसमें 12 है, ये 8 है, तो 4 एक्स्ट्रा कौन से, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना. नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नेक्स्ट विंटर ग्रेड फ्यूल इन लद्दाख. बेसिकली लद्दाख वो लोकेशन है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उस केस में क्या है, विंटर के टाइम पे जो फ्यूल होता है, पेट्रोल, डीजल वगैरह जो होता है, वो क्या होता है, जम जाता है, वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाता है, तो वहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए विंटर स्पेसिफिक एक फ्यूल बनाया गया है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जो कि विंटर के टाइम पे भी वो लिक्विड स्टेट में रहेगा. सो इट द एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ लॉस और फ्यूल ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर कंडीशन, इसके लिए इसको वो किया गया है. फ्रीजिंग ऑफ डीजल, डीजल जो है जो विंटर के टाइम पे जो टेम्परेचर है वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, और जो डीजल है वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ जाता है. ठीक है, द स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल इज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया, ये इंपॉर्टेंट है, IOCL के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसका पोर पॉइंट कितना है, 33 डिग्री सेल्सियस, -33 डिग्री सेल्सियस का मतलब है इस -33 डिग्री सेल्सियस तक वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, उसकी फ्लूडिटी मेंटेन रहेगी, वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं रहेगा. और इट ऑल्सो मीट्स द BS6 जो स्टैंडर्ड्स है उसको ये मीट करता है, जो नया विंटर ग्रेड फ्यूल है उसको बनाया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. आपको वैसे भी पता है लद्दाख रीजन और जम्मू एंड कश्मीर अभी न्यूज़ में, तो उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब अगर बात करते हैं BS6 पैरामीटर्स की, बेसिकली ये इमिशन स्टैंडर्ड्स है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर यूरो नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है, जैसे इंडिया ने लॉन्च किया है BS, भारत स्टेज नॉर्म्स और इमिशन कंट्रोल स्टैंडर्ड. अभी इंडिया में एट प्रेजेंट फॉलो हो रहा है BS4, BS4 से हम सीधा जंप करके जाने वाला है BS6 पे. BS6 जो है वो अप्लाई होने वाला है कहाँ पे, कब, 1 अप्रैल 2020 से, मीन्स जो नेक्स्ट अपना 1 अप्रैल आ रहा है, तब ये BS6 स्टैंडर्ड्स को लागू किया जाएगा. अब BS6 स्टैंडर्ड में क्या इंप्रूवमेंट है BS4 के रेफरेंस में, बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपको याद रखना है सल्फर कंटेंट, तो BS6 में जो लोअर सल्फर कंटेंट का इमिशन होगा, और दूसरा है हार्मफुल कार्बन हाइड्रोकार्बन है उनका भी कम इमिशन होगा. तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्या है, सल्फर के बेस्ड पे सल्फर का जो कंटेंट है वो कम रिलीज होगा BS6 में. चलते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जो कि प्रीलिम्स 2015 के अंदर पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन टू द मेडिटेरेनियन सी. मेडिटेरेनियन सी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कौन कौन सी कंट्रीज टच होती है, वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था इराक एंड जॉर्डन, ये जो दो कंट्रीज है वो टच नहीं होती है. तो सीरिया रॉन्ग हो जाएगा, लेबनान, इसराइल, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉर्डन, बिकॉज क्वेश्चन ने क्या पूछा है, टच नहीं करती है, तो ये जॉर्डन करेक्ट हो जाएगा. आपको याद रखना है जॉर्डन और इराक टच नहीं करती है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स 2015 के अंदर, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसे प्रोविजन मेड इन द, ये प्रोविजन कहाँ पे मेड है. फ्रेंड्स, अगर आप 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की लिस्ट को आप पूरा ध्यान से देखोगे तो उसमें से एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये भी है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का. तो फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो डिस्कशन आपको हेल्प कर रही होगी. अगर ये वीडियो डिस्कशन आपको किसी भी तरह से हेल्प कर रही हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.